हमें सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना चाहिए या फिर हमें फ्लटर सीखना चाहिए? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जल्दी सीख सकते हैं, ये आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। वैसे मैंने मेरी कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था आप सबसे कि कौन सी सीरीज आप जल्दी चाहते हैं, किस टेक्नोलॉजी पे, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मैं सीरीज बनाना स्टार्ट करूं, तो ज्यादातर आप सब में से मतलब 80% अबाव वोट्स जो है आप सबने वोट किया है एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर, ठीक है। और फ्लटर मतलब ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा नॉलेज आपको इसके ऊपर देना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। हालांकि एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर कुछ मेरे बेसिक ट्यूटोरियल्स भी हैं, पर मैं क्या सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, कब स्टार्ट करने वाला हूँ, किस चैनल पर करूंगा, ये सारी चीजें आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं जो टॉपिक कवर करता हूँ बहुत ही मतलब ईजी वे में, मान लो कि मेरे को पता है, क्योंकि मैंने भी सीखते रहा, मुझे बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, और मुझे भी पता है कि जो सामने वाला सीख रहा है वो बिल्कुल बिगिनर है, वो उसका बैकग्राउंड जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से नहीं है, वो किसी अदर फील्ड से आ रहा है, तो आप लोग को सीखने में आसानी हो, इसलिए मैं बहुत ही ईजी वे में टॉपिक को कवर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर में दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद आप क्या क्या डेवलप कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। दोस्तों एंड्रॉयड स्टूडियो, हम इस IDE में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, डिजाइन करने के लिए हम XML का यूज करते हैं। XML जावा के बारे में आपने सुना होगा, XML के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। XML भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम लोग कोडिंग वगैरह उसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग। एंड्रॉयड स्टूडियो में जो यूजर का ऐप आप देखते हो ना, जो भी आप एप्लीकेशन आप देखते हो, उसका पूरा डिजाइनिंग वाला पार्ट XML में होता है, और वो जो हमने डिजाइन किया है उसको फंक्शनैलिटी देना, वो हम जावा में कोडिंग करते हैं या फिर कोटलिन में करते हैं। कोटलिन थोड़ा और इजी है सीखना, तो ये होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, ठीक है। और एंड्रॉयड स्टूडियो में जब आप जावा से एप्लीकेशन बिल्ड करोगे तो वो एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइसेस में ही चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लटर, अगर आपने फ्लटर एक एक्चुअली गूगल का ही फ्रेमवर्क है फ्लटर, और फ्लटर में हम लोग डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। और फ्लटर में आपको बताऊं, सीरियसली मैंने दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, एक्चुअली मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूं, बट एक बेसिक मुझे आता है। बेसिक मतलब एक मान लीजिए एक 1 to 100% की बात की जाए तो मुझे 35% तक एंड्रॉयड स्टूडियो आता है, ठीक है। अगर फ्लटर की बात की जाए तो यस, मैं अभी भी सीख रहा हूं, बट हाँ एटलीस्ट मुझे 55 to 60% आता है, क्योंकि ये एक्सपर्टीज आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले नेक्स्ट जो भी सीरीज रहेगी उसमें अगर मैं आपका इंस्ट्रक्टर बन रहा हूँ तो जो चीजें मेरे साथ होंगी, बिकॉज रॉ वीडियोस मैं बिल्कुल डालूंगा, बहुत सारे मुझे भी बग्स, मुझे भी एरर्स आएंगे, तो वो सारी चीजें आपके सामने एकदम ओपनली रहे, ठीक है। बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो मैंने सीखा, मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई थी, कोर्स भी फाइंड करना इजी नहीं होता क्योंकि पुराने कोर्स है सब 3-4 साल पुराने, और फ्लटर डेली अपडेट होता है, उसमें कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलता ही है, तो वो सारी चीजें आपको नई चीजों को भी फिर सीखना पड़ता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है कहीं ना कहीं। खैर इस टॉपिक को मैं बाद में कवर करूंगा, पहले समझते हैं कि फ्लटर में हम क्या क्या बना सकते हैं और फ्लटर को सीखने में कितना समय लगेगा, ठीक है। फ्लटर दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया कि गूगल का फ्रेमवर्क है जो कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे रन होता है, ठीक है। तो फ्लटर को सीखना एज कंपेयर, अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो की बात करूं और फ्लटर को सीखने के टाइम की बात करूं, तो मैं आपको बताऊं सीरियसली, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो को 3 to 6 महीने में सीख रहे हो, वहीं आप फ्लटर को 2 महीने में आराम से सीख सकते हो, एटलीस्ट बेसिक लेवल तो आराम से सीख सकते हो कि आप अपने बेसिक एप्लीकेशंस बना सको, ठीक है। लेकिन एक और फायदा है फ्लटर में, और फ्लटर में वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आप फ्लटर में फ्लटर टेक्नोलॉजी का यूज करके डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आप कोडिंग कर रहे हो, वो कोडिंग आपको एक ही बार करनी है, और उस कोडिंग पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के जो एप्स रहते हैं, एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन, iOS के लिए एप्लीकेशन, डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन, वेबसाइट, सारी चीजें एक ही बार जो आपने कोड लिखा उसमें वो सारी चीजें कवर हो जाती है। लेकिन अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो सीखा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको iOS के लिए फिर दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। और दोस्तों आपको सबको मैं बता दूं कि शुरू से किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करना ये थोड़ा टफ होता है। अगर आप बैकग्राउंड नहीं है आपका, प्रोग्रामिंग फील्ड से आप नहीं आते हो, कोडर आप नहीं हो, तो आपने मान के चलो कि तो बहुत मुश्किल से आपने अपना इंटरेस्ट जगाया और आपने कोडिंग सीखी, एंड्रॉयड स्टूडियो आपने सीख लिया, फिर उसके बाद में अगर आपको iOS के लिए बनाना हो या उसका बैकएंड डिजाइन करना हो, फिर से आपको सीखना पड़ेगा दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग डबल मेहनत करो यहाँ पे, ठीक है। खैर मैं दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूँ, चॉइस इज योर्स, आपको जो अच्छा लगता है आप दोनों में से किसी को भी चॉइस करके सीख सकते हो आप लोग, ठीक है। वैसे फ्लटर ज्यादा बेस्ट है एक बार कोडिंग करने, और इजी भी है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे आपको ज्यादा कोड टाइप करना पड़ता है, यहाँ पे अगर आपको 10 लाइन का कोड टाइप करना है तो यहाँ पे आपको 5 लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है इन दोनों में। और एक अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अगर होगा तो अगर आप फ्लटर में आ जाओगे, अगर आप बिगनर हो तो आपका इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आप यहाँ पे अगर आते हो फ्लटर में तो बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट जाग जाता है क्योंकि कम कोडिंग में आप ज्यादा कुछ कर पाते हो। प्लस एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एंड्रॉयड स्टूडियो में ना बहुत सारी चीजें मतलब प्रॉब्लम आती है एनिमेशन वगैरह करने में,
जो कि फ्लटर में बिल्कुल ईजी है। फ्लटर में आप किसी भी एप्लीकेशन का यूआई डिजाइन जब डिजाइन करते हो तो एनिमेशन पुट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें एकदम यूनिक तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो। खैर दोनों के सीखने के बाद अगर जॉब की बात की जाए, जॉब दोनों में ही ठीक है लेकिन आने वाले समय में ज्यादातर डिमांड होगी फ्लटर की, क्योंकि ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इस टाइम एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड स्टूडियो में बने हुए पुराने एप्लीकेशन वो बस मेंटेन्ड हो रहे हैं उसमें, लेकिन अभी जितने भी नए एप्लीकेशन बन रहे हैं वो ज्यादातर फ्लटर, रिएक्ट, .js इन सब पे बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन बने बहुत स्मूथली काम करते हैं। आप एंड्रॉइड स्टूडियो कोई एप्लीकेशन ओपन करो उसको एक सेकंड अगर लग रहा है ओपन होने में प्रोग्रेस बार के थ्रू, मतलब जो भी इसमें डाटा फेच करने में टाइम लग रहा है वो यहाँ पे नहीं लगता, रियल टाइम डाटा बेस में फटाफट स्पीड में मतलब एक हाफ सेकंड से भी कम सेकंड में आपका एप्लीकेशन ओपन कर देता है, जो आपको डेटा चाहिए सारी चीजें फटाफट आपको मिल जाती है फ्लटर में। तो इसलिए ज्यादातर जो कंपनीज है फ्लटर टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने नए एप्लीकेशंस को डेवलप कर रही है। ठीक है, कंपनीज मैंने आपको बता दिया, चॉइस आपका है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना सीरीज कौन सी चाहिए, अभी भी चॉइस आपका है। ठीक है, खैर वो सीरीज मेरे इस चैनल पे नहीं आएगा बिकॉज इस चैनल पे मैं ज्यादातर एप्लीकेशन से रिलेटेड यानी कि जो हमारे पास जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या आपको इनपुट कराना चाहिए, उसकी फंक्शनलिटी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। कोडिंग के बारे में कभी इसमें ज्यादा वीडियोज नहीं डाले हैं इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, बस लिमिटेड है, मान लीजिए 500,000-1,500 इतने सिर्फ इंटरेस्ट दिखाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि वो सारे सीरीज में मेरे दूसरे चैनल पर डालूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।